आज सावन का पहला सोमवार भी है और कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर के अंबाला हरिद्वार हाईवे पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांवड़ियों का जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है। सहारनपुर जनपद की अगर हम बात करें तो जनपद सहारनपुर से हर साल करीब 50 लाख से ज़्यादा जो कांवड़ी हैं, शिवभक्त कांवड़िए हैं, वो यहाँ से होकर गुजरते हैं और इन कांवड़ियों में बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जो शिवभक्त कांवड़िए होते हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की तरफ वापस लौटते हैं। आज कांवड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और सहारनपुर में बड़ी संख्या में जो कांवड़ियाँ हैं वो अलग अलग शिविरों में यहाँ पर ठहरे हुए हैं। कांवड़ियों के रहने के लिए करीब 100 से ज़्यादा शिविर जो है वो सहारनपुर में लगाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा की यदि बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। रूट डायवर्जन प्लान यहाँ पर लागू किए गए हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर है। कई जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी जो है कांवड़ मार्ग की निगरानी जो है वो की जा रही है। करीब 75 किलोमीटर का एक सफ़र जो है वो सहारनपुर से हरिद्वार तक का है। उस सफ़र के दौरान जो भी शिवभक्त कांवड़िए सहारनपुर से होकर गुजरते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। इसके अलावा जो कई अन्य सामाजिक संगठन हैं वो हमेशा कांवड़ शिविर यहाँ पर लगाते हैं, जिनमें उन कांवड़ शिविरों में उनके रहने से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पर निःशुल्क की जाती है। यहाँ पर कुछ कांवड़ियाँ हैं जो यहाँ पर इस समय आराम कर रहे हैं और इनसे हम यहाँ बात करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इनसे क्या कुछ मन्नतें इनकी रही हैं और जल उठाकर ये कब तक अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। बोले कहाँ से आए हो? लुधियाने से। पंजाब से आए। अच्छा, तो अभी वापसी है या जा रहे हैं अभी हरिद्वार? जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन का सफर है आपका ये? 10 दिन का सफर है। अच्छा, आप आगे आइए। कितने दिन का सफर है आपका ये? 10 दिन का सफर है भोलेनाथ। अच्छा, हम जल हरिद्वार से भर के सीधा पंजाब लुधियाना जा रहे हैं। बोले ठीक है, कितने दिन लग गए? 15 दिन लग गए हमारे पूरे टोटल। अच्छा, जल लेके जल चढ़ा के पूरे 15 दिन लग जाएगा। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई कहीं? दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं हुई है, बल्कि आज ही बारिश हुई है। आज पहला सावन का मौसम है, सावन का महीना है, सावन का पहला दिन है। आज सोमवार भी है, भोले का बहुत अच्छा दिन है। आज सब कांवड़िए ठंडे ठंडे हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। चलिए, यहाँ भी हैं वो कांवड़िए हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं आप? बठिंडा से, पंजाब से। हाँ जी। हाँ। कितने किलोमीटर का सफर है आपका? 450। 450 तो पैदल जा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। तो जल ले आए आप वहाँ? हाँ जी। हाँ जी, वहाँ से जल ले। तो जल कब चढ़ाएंगे? 2 तारीख को। अच्छा, 2 तारीख को सुबह। कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे वो चल रहा है आजकल दुकानों पर नाम लिखने का मामला, तो आपको पता है उसके बारे में? कहीं मिली कोई दुकान जहाँ नाम वाम सब लिखे गए हो सबके? नहीं, बोला जी हमने नहीं लिखवाया। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? आप में से है किसी को जानकारी जो दुकानों पर नाम लिखे जा रहे हैं, दुकान किसकी है किसकी नहीं है? वो जानकारी नहीं है। अच्छा, तो कितने दिन का सफर रहेगा आपका भी? कितने दिन लगेंगे वापसी जाने? 10 दिन का सफर है। अच्छा, 10 दिन का सफर है। 450 किलोमीटर दूर है बठिंडा। 1 तारीख को शाम को पहुंच जाएंगे। तो दिक्कत तो नहीं होती पैदल चलने में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जय जय शंकर की है। शक्ति कहाँ से मिलती है? बोले से। अच्छा। हाँ जी, फुल शक्ति है। ये देखो पैरों में छाले हैं, फिर भी बोला कृपा कर रहा है। अच्छा, इनके पैरों में छाले हैं, दिखा रहे हैं ये। तो हमेशा जाते हो, पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार है बोला जी। दूसरी बार है? हाँ जी, दूसरी बार आए हैं। बोले आप आगे आ जाइए, जरा एक बात करनी है आपसे भी। ये आराम कर रहे हैं यहाँ पर एक शिविर के अंदर ये लोग कांवड़िए जो है, और कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से है, तो ये बड़ी संख्या में हर साल यही नज़ारा होता है सहारनपुर का। कहाँ से हैं आप? बोले हम लुधियाना से। अच्छा, पंजाब। कितने दिन का सफ़र तय है आपका ये? हमारा ये 15 दिन का सफ़र तय था। अच्छा, तो अब हम पहला सावन है ना सहारनपुर में, आप जिन लोग चढ़ा के अब यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अब जहाँ से जाएंगे सहारनपुर तक, अब पंजाब जगाधरी, फिर अपने अंबाला, राजपुरा, सरन, गोविंदगढ़, खन्ना, लुधियाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो कांवड़ मार्ग पे जो दुकानें हैं उन पर आपको अपना नाम लिखना होगा। कैसा फैसले को सही मानते हैं आप उसको?
उसके बारे में इतना पता नहीं भैया। अच्छा आप पहली बार आ रहे हैं, कितना कौन सा अपने आ रहे हैं? तीन चार बारी पांच बारी आ चुके ऐसे, ये ऐसा सोचता पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है। अभी पहले ऐसा नाम कभी नहीं सुना कि दुकानों पे नाम हो रहा है वगैरह, कभी नहीं सुना हमने। पहले जब कभी आप कावड़ में आते थे रास्ते में, जब सामान खरीदते थे, पानी लेना हो चाहे कोई फल लेना हो, तो आप पूछते थे भाई तुम कौन हो, क्या नाम है, तुम्हारा नाम पूछा कभी किसी का तुमने? नहीं भोलेनाथ, किसी से नहीं पूछा हमने। अच्छा, जो भी सेवा कर रहा भोलेनाथ, हम मंदिर में बैठते वही सेवा करके चले जाते हैं भोलेनाथ। नहीं नहीं, जो फल रेहड़ी वाले से फल खरीद रहे हो, तो दुकान से पानी, नाम नहीं पूछा भोलेनाथ हमसे इससे। अच्छा, किसी से नाम नहीं पूछा हमने, फल वगैरह खरीदा पहले नाम नहीं पूछा हमने किसी से। हम क्यों नाम पूछे, हम तो अब सेवादारी, हम तो भोले से इतनी दरार से आए, हम तो भोले भोले बोलते सब, तो हम भोले की तरह रहते, बस दूरी होते हमारे से बस। ये और शिव भक्त आ गए हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर आराम करेंगे, जल लेकर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग रंग जो है कावड़ के आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये है एक भक्त जो कितने लीटर जल लेकर आए हैं अभी? 101 लीटर। अच्छा, कहाँ जाएंगे? पटियाला पंजाब। कितने किलोमीटर है रास्ता यहाँ से? 240 किलोमीटर। अच्छा, हरिद्वार से 240 किलोमीटर। अच्छा, तो कितने दिन में सफर तय होगा? हमारा हो जाएगा 13 से 14 दिनों में। तो ये आप अकेले उठाते हो, कोई और भी मतलब साथ? तीन जने का ग्रुप है। अच्छा, अलग अलग करके उठा लेते हैं? हाँ जी, उठा लेते हैं। तो 500 मीटर और एक और लड़का आ रहा है, तीन। अच्छा। चार जनी है हम, चार जनी ने लेके जानी है हमने। अच्छा, हरिद्वार। और मैं कह रहा हूँ जय शंकर की, बस जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से। अच्छा, कहीं भी कष्ट नहीं मिल रहा है, पीछे 2-3 दिन लगा था वैसे कष्ट, वैसे अब नहीं, अब तो जय जयकार है बोलेगी। आज तो बारिश भी हो गई। मैं कह रहा हूँ और जय जयकार है बोलेगी जी, गर्मी गुर्मी सब दूर। अच्छा। हमारे में तो बोला बसा पड़ा ही, अब लगाने दो गांजे के पेपर धुड़ा दर्द जाए। रास्ते में कहीं को सामान खरीदा, पानी वानी लिया, कहीं से फल फ्रूट खरीदे कहीं से? हाँ, खाते पीते हैं, पैसे तो लगते ही है। वो तो मेरी बात नहीं, किसी जिससे सामान खरीदा उसका नाम पूछा आपने? नाम क्या है तेरा? नहीं बोले। अच्छा, नहीं बोले, पूछा नहीं किसी से, नाम ही नहीं पूछा। जिससे खाया पिया बस ये सबने लगा लो, ये तो नहीं पूछा, नाम तो सही में नहीं पूछा किसी। यूपी में एक आदेश हुआ है ना, सरकार ने कहा है कि जो दुकान वाले हैं उनको अपना नाम लिखना होगा दुकान के आगे, भाई अगर आप हिंदू हैं तो आप अपना नाम लिखे। आप कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, कोई वो नहीं है, सब सेवा कर रहे हैं, हम उनकी करेंगे वो हमारी कर रहे हैं। अच्छा, बस कोई भेदभाव नहीं, कोई शिवर नहीं है। बस सहारनपुर से पहले कोई शिवर नहीं था हमारे पास। अच्छा, हमने अपने पैसों की रोटी खाई, अपने पैसों की पानी पिया, अपने पैसों का सब कुछ किया। अब एक शिवर पीछे मिले, अब शिवर थोड़े दिख रहे हैं। जब से हम लोग निकले हुए हैं, हमारा भी खर्चा हुआ है, सब जने जितने भी है, ठीक है ना, बस भोले की नाम लेके चलते जा रहे हैं। कोई भेदभाव तो नहीं, कोई रास्ते कोई भेदभाव नहीं बोला जी, कोई भेदभाव नहीं। हम तो, मेरे को 9 साल हो गए। अच्छा, ये 9वीं कावड़ है हमारी ये। अच्छा, देख लो, हम 9 साल से तो कोई भेदभाव नहीं देखा हमने। अच्छा, बढ़िया जा रही है, बढ़िया से हम जाएंगे फिर भी। अच्छा, हमारे अभी 150 किलोमीटर रहता है हमारा। अच्छा, आराम से जाएंगे। अच्छा, हमारे कार्तिक लाल की बोली, नंदी महाराज की बोली, नीलकंठ महादेव की जय। तो ये शिव भक्त कावड़ियां हैं, हरिद्वार से गंगा जल उठाकर वापस अपने अपने गंतव्यों की तरफ लौट रहे हैं। देख सकते हैं कि 101 लीटर गंगा जल इन्होंने अपने कंधे पर उठाया है, और अभी भी करीब 150 किलोमीटर का सफ़र जो है इनको तय करना है, करीब 400 किलोमीटर का सफ़र इनका बताया जा रहा है। रास्ते में किसी से सामान इन्होंने खरीदा तो इन्होंने किसी का नाम पूछा तो उस पर कह रहे हैं कि हम 9 साल हो गए कावड़ उठा रहे हैं, आज तक हमने कभी भी जब भी कोई सामान लिया हमने किसी का नाम नहीं पूछा, हमने दुकान नहीं देखी, क्योंकि हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार है, कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, उसको लेकर ये यहाँ पर जयघोष जो है लगा रहे हैं। और सहारनपुर में आपको जो नज़ारे हैं कुछ आने वाले दिनों में इसी तरह नज़र आएंगे, और सारी जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं शिव भक्तों के इसी अंदाज को, इसी रूप को, इसी जो उद्घोष है, इसी चीज़ों से गूंजती हुई जो है वो नज़र आएगी। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।